ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर RPF के जवानों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ASI OP पांडे और कांस्टेबल RD चौहान को मुंब्रा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कल 1:30 बजे के वक्त चक्कर लगा रहे थे, तभी उन्हें एक लावारिस बैग मिला। जब RPF के जवानों ने पूछताछ की कि ये बैग किसका है, तभी एक रेशमा नाम की महिला ने जानकारी दी कि ये बैग शिलफाटा से रिक्शे में उनके साथ एक महिला लेकर बैठी थी, मगर रेशमा उस औरत को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रेशमा ने रिक्शे वाले की पहचान कराई, जिसके बाद रिक्शे वाले से भी पूछताछ की गई। RPF ने जब बैग की तलाशी ली तो कुछ कपड़े और एक टिफिन में सोने के 2 मंगलसूत्र थे, जिसकी कीमत 2,15,000 रुपये बताई जा रही है, जिसके बाद PSI AK यादव ने सिलफाटा पर रिक्शे वालों से संपर्क किया। तो कुछ रिक्शे वालों ने बताया कि एक व्यक्ति है जो बैग ढूंढ रहा है, उस व्यक्ति का नाम जनार्दन गोधली है। AK यादव ने फोन पर इस व्यक्ति से संपर्क किया तो पता चला कि जनार्दन की पत्नी बैग भूलकर दीवा चली गई है, जिसके बाद जनार्दन को अपनी पत्नी के साथ मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर बुलवाया गया। जनार्दन अपनी पत्नी निर्मला जनार्दन गोधली 50 वर्षीय को लेकर मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर RPF के PSI AK यादव से मिले। जब इनसे बैग के बारे में AK यादव ने जानकारी पूछी कि इस बैग में क्या क्या रखा था, सही जानकारी मिलने पर RPF ने इन्हें इनके सोने के गहने के साथ इनका बैग लौटा दिया। कल अप्रॉक्सीमेटली 1:30 PM के आसपास जब मेरा स्टाफ ASI OP पांडे और कांस्टेबल RD चौहान प्लेटफॉर्म पे राउंड कर रहे थे, तो उन दौरान उन्हें एक अनक्लेम बैग मिला। तो उन्होंने पैसेंजर से इंक्वायरी किया तो किसी ने कुछ नहीं बताया। जैसे प्रॉपर तरीके से सर्च करने के लिए बैग को उठाया तो एक लेडीज़ खड़ी थी ना, रेशमा नाम की, उसने बोला कि ये बैग मैं जानती हूँ, ये बैग मेरे साथ लेडीज जो सिलफाटा से मुंब्रा बाई ऑटो रिक्शा आ रही थी ये उसका है, क्योंकि वो मेरे साथ आई थी, इसके लिए मैं उसे पहचानती हूँ। बाद उस लेडीज को लेके RPF ऑफिस लाया गया। जब उसमें इंक्वायरी किया गया तो उसमें दो मतलब गोल्डन हार्स अप्रॉक्सीमेटली 70 ग्राम्स, कीमत अप्रॉक्सीमेटली 2,15,000 था। तो कंसर्न में मैटर के सेंसिटिविटी को देखते हुए इंक्वायरी किया गया, लेडीज़ को लेके ऑटो रिक्शा स्टैंड पे सर्च किया गया, तो वो ऑटो वाला जो था उसके बारे में पता चला, तो उससे पूछा गया तो उसने बताया हाँ इस बैग को मैं पहचानता हूँ। और फिर इसके बाद फर्दर इंक्वायरी में फिर पता चला तो सिलफाटा पे कोई जेंट्स जनार्दन गोंडली नाम का, वो ऑटो रिक्शा वालों से पूछ रहा था कि किसी ऑटो रिक्शा में मेरा बैग, मेरे वाइफ का बैग तो नहीं छूटा है करके। तो बाद में इंक्वायरी में आया, मेरे द्वारा बात किया गया तो उसने बताया मेरी वाइफ का बैग छूटा है जो दीवा जा रही थी, वो ऑटो रिक्शा में या प्लेटफॉर्म पर भूल गई कहीं करके, ये उसको आइडिया नहीं मिल रहा था। तो बाद में उसकी वाइफ से बात किया, उसका नाम निर्मला जनार्दन गोंडली था, तो उसने पूरी कहानी बताई, पूरा डिस्क्रिप्शन बताया कि उसका बैग कैसे और कहाँ क्या छूटा। फिर बाद में मैटर को देखते हुए उस लेडीज़ को उसके हस्बैंड के साथ RPF चौकी मुंब्रा आने के लिए कहा गया। तो बाद में इंक्वायरी करके प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद उक्त लेडीज़ को निर्मला जनार्दन गोंडली, उसके एज अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स थी, जो दीवा गांव की रहने वाली थी, वेरीफाई के बाद सबके सामने उसके गोल्डन हार्स को जो अप्रॉक्सीमेटली 2,15,000 का था, 2 हार, उसको सही तरीके से उसे हैंडओवर किया गया। एक्चुअली जब लेडीज़ ने बताया कि बैग पहचानती हूँ करके, तो फिर हमने मैटर को सीक्रेट रखा, और उस लेडी से जब हमारा कांटेक्ट हुआ तो हमने उस मैटर के बारे में पूछा कि इस बैग्स में उसका क्या है बिना उसको दिखाए हुए, तो उसने एग्जैक्ट और सही तरीके से बैग इनसाइड बैग में क्या है करके उसने बिल्कुल सही सेटिस्फेक्शन वाला आंसर दिया, जिस बेस पे हमको लगा कि ये बैग उस लेडीज़ का ही है, क्योंकि बिना देखे वो इस चीज़ को क्लियरिफाई नहीं कर सकती थी कि उस बैग में कि टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स था टिफ़िन बॉक्स, उसमें उसका ज्वेलरी था, तो उसने सही तरह से डिस्क्रिप्शन दिया, तो ऐसा हमको लगा कि ये बैग्स विथ गोल्डन ज्वेलरी
उसी लेडीज़ का है। और जब हम इस मैटर में सेटिस्फाई हुए कि बैग उस लेडीज़ का है, तो फर्दर इंक्वायरीज़ और फर्दर हमारा प्रोसीजर होता है, प्रोसीडिंग फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी किया, कानून कार्रवाई करके उसका स्टेटमेंट लिया लेडीज़ का, उसके हस्बैंड का भी, बाद इसके उसको सही तरीके से उसके ज्वेलरी को उसे हैंड ओवर किया। शहर में आरपीएफ के इस काम की सराहना हो रही है, जिस तरह से 2,15,000 के सोने के जेवर लावारिस बैग में मिला और बड़ी ही ईमानदारी से पीएसआई एके यादव ने इसकी छानबीन की और इसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। वहीं एके यादव ने बताया कि महिला ट्रेन पकड़ते वक्त बैग प्लेटफॉर्म पर भूल गई थी, जिसे जाँच कर लौटाना हमारा फर्ज है। साथ ही कहा कि हमारे वरिष्ठों ने बताया है कि रेलवे में यात्रा करने वालों की सुरक्षा करना और उनके रेलवे में होने वाली तकलीफों को हमें समझना चाहिए और हमें हमेशा यात्रियों के साथ खड़े रहना चाहिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।